हेलो गाइस, इट्स मी हमसे एंड यू आर वाचिंग एचटी रिएक्ट्स। कैसे हैं जी आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ जी खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। और आज जिस वीडियो पे हम रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है जी ऑनलाइन स्कूल्स आर आउट ऑफ कंट्रोल। तो हमने देखा था कि कोविड में कैसे कैसे शगुफे हमें देखने को मिले थे, और ऑनलाइन क्लासेस और जूम की मीटिंग्स में जो कुछ स्टूडेंट्स कर रहे थे, क्योंकि देखे फेस टू फेस तो थे नहीं कि टीचर कुछ कह देगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, मीटिंग से बाहर निकाल देगा। तो बड़ा कुछ देखने को मिला, और आज उससे रिलेटेड है पता नहीं वीडियो या शायद उसके बाद की है, लेकिन है रिसेंट वीडियो, तो इस पे रिएक्ट करते हैं जी। उससे पहले हमारी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक एंड शेयर करें, और अगर पहले से मौजूद हैं तो बेल आइकन भी प्रेस करें। तो शुरू करते हैं जी, 3, 2, 1 इन गो। मैं अभी स्कूल में क्यों नहीं हूँ यार, क्यों? मम्मी पापा तुम बड़े हो गए, रुक जाते या 5-6 बार मैं फेल हो जाता, आज जिंदगी अलग होती। एजुकेशन सिस्टम कितना सही है अभी, स्क्रीन्स, कूल टीचर्स, मनहारी सुकुमारी मनहारी। मेरे ये कुछ भी देखने को मिला काल के, एक दो लगते थे जैसे ताजमहल को उन्होंने बनते देखा हो। उनका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट और डांस दोनों गिर चुके थे। पर अभी टीचर्स बच्चों के भले के लिए क्या नहीं कर रहे, इंटरेस्ट जगाने के लिए क्लास चा? में भोजपुरी गाना चला देते हैं। वाह यार, मजे हो रहे हैं भाई, विकास कोचिंग सेंटर सबटाइटल, ताकि यहाँ भी बताओ कि कवि कविता के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। आई एम अकम्पनीमेंट विथ ड्रिंक, अर्थात स्त्री को चखना बोल रहे हैं। विकास कोचिंग, ओ ये पढ़ाकू बच्चे फोन में नोट्स ले रहे हैं ताकि घर जाके रिवाइज कर सके। डेडिकेशन, कॉम्पिटिटिव मैथ। अभी रिसेंटली एक और भी कोचिंग क्लासेस का कुछ इस तरह का है, जिसमें कोई आइटम नंबर पढ़ा, क्लासरूम में डांस हो रहा था। ओला साहब, आज क्लास में क्या पढ़ाया मुजरा? कोई कच्चा बादाम पढ़ा रहा है। ऑसिलेशन ऑफ बादाम्स। फिर किसी टीचर ने ये तो रीसेंट है भाई, प्लेलिस्ट लगा दी। मतलब मुझे ऐसे लग रहा है ऑनलाइन खत्म हुआ फिजिकल में इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए। और यहाँ हमारे पास होने के बाद ही इतने अच्छे अच्छे चैप्टर क्यों ऐड हो रहे हैं? रिप्रोडक्शन तो पढ़ा है, पर रिप्रोडक्शन के पहले क्या होता है सिर्फ इस कोचिंग क्लास में। और अब टीचर्स नहीं दोस्त जैसे बन चुके हैं, सीधा सिखाते हैं चीटिंग। एक बच्चे को भी आता होगा तो पूरी क्लास समझ रहा है ना, ऑब्जेक्टिव में एक बच्चे को भी आता, चोरी करना पाप नहीं है पकड़े जाना पाप है, चोरी करना पाप नहीं है पकड़े जाना पाप है। चोरी सीखना कैसे विचार, पुलिस का खुद चोरी सिखाना पाप है। एक बच्चे को भी आता होगा तो पूरी क्लास राम नाम जपना, सबका पेपर अपना, सबका पेपर अपना नहीं करना सर। मेरे दोस्त इरेजर के एक साइड पे ट्रू और एक साइड पे फॉल्स लिख के डाइस जैसे फेंक कर आंसर लिखते थे, ऐसे तो लिखते हैं ट्रू फॉल्स। राम नाम जपना, सिर्फ टॉपर का पेपर अपना। करते हो क्या? इतना भी क्या पढ़ा रहे भाई, नहीं बनना था सर। शर्मा क्यों रहे हो, करते हो तो सब करते हैं, सब करते हैं। कभी कभी मौसम अच्छा हो, ठंड में जब ज्यादा ठंड लगती है तो ऐसे सर रगड़ते नहीं है, हाँ उसे गर्मी आ जाती है। हाँ ठंड के मौसम में बहुत रगड़ता हूँ, फ्रिक्शन कॉन्सेप्ट सिखाया हो सर। मुझे क्या लगा था? करते हो एकदम तो या, ओ, आ, ओ, ए, ये याद है। ओ, आ, ओ, ए। दोस्ती को एक इसमें बदल रहे हो सर, पापा के सामने इसका रिवीजन कर रहा था, उन्होंने असली ऊ आ निकाल दी। अब कुछ और वीडियो देखो तो लगता है मियां मैम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रही है। टीचर्स को पता है स्टूडेंट्स के कान कैसे खड़े करें। मियां मैम, जैसे पहला प्यार होता है ना, इंसान को याद रहता है क्या क्या जिंदगी भर की। अरे पहला प्यार, ठीक है बच्चों, पहले प्यार की तरह ही हर चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो आपको याद रहना चाहिए। पहले प्यार की तरह ही हर चैप्टर का, उसमें कौन डेडिकेशन देता है, धोखा कर दिया मैं। हमारे टीचर्स चौक तक नहीं लाते थे, पर अभी के टीचर सांप ले आते हैं। ये है आपका नया मेहमान, अगर ये पढ़ाई ना करे तो डस लेना। देख लिया, ये रहा, ये हमारा चिंटू है। चिंटू
चिंटू है? अभी तक मैं डर रही थी, नाम सुन के लग रहा है इसको गुदगुदी करके भाग जाऊंगी मैं। चिंटू है? और ये सर लौकी ले आए। Are you listening? क्या कर रहे? ये जो भी प्रैक्टिकल पढ़ा रहे उसके नोट्स मुझे दे, मैं अनपढ़ रह गया। केमिस्ट्री लैब के केमिकल्स किसी ने रूह अफजा बोल के पिला दिया सर को, या बीवी ने टिफिन में लौकी केक दे दी, उसकी भड़ास निकाल रहे। अजी सुनते हो, चाकू नहीं मिल रहे हैं। दांत है ना। मेरा पति तो किचन में भी मदद करता है हिमेश रेशमिया, लेकिन हाथ में माइक के जगह लौकी। घायल दिलों का मुशायरा। लड़के होते ही ऐसे है, लगता रहता है कि अब मान जाएगी, अब मान जाएगी, अब मान जाएगी, तो उसको रियलाइज हो ही जाएगा। फोन मिलाता रहा मगर मेरी उससे बात नहीं हुई। उसको भुला के पढ़ाई पे ध्यान। सारे निकम्मे आशिक जो हैं वो टीचर बन गए। आंसुओं से कॉपी गीली हो गई। टॉयलेट रोक के बैठा है कब से? एक बहुत हैवी शायरी है, संभाल लो तो बताओ। हैवी बाद में, पहले हल्का होने दो। बेसिक सी शायरी को लौंडे ऐसे वाह वाह कर देते कि घर जाके सर भी खुद को मिर्जा गालिब सोचे। उनको पता नहीं कि ये बस पीरियड का टाइम काटने के तरीके हैं, ताकि सर हर बार आके क्लास का 15 मिनट शायरी में बर्बाद करे। मैं उससे करता था, वो किसी और से करता था। एक और सर पूछ लेते थे डाउट, जो इंट्रोवर्ट्स के लिए खतरों के खिलाड़ी के टास्क से कम नहीं, पर ऑनलाइन सब प्यासे शेर है। डाउट पूछने के लिए बने गए चैट सेक्शन में। मैम 200 बीघा खेत है, बस आपकी सेवा करनी है, भैंसे हैं, हाथी घोड़े सब हैं, किसी चीज की कमी नहीं होगी। थोड़ी इज्जत कर लो, लालच भी दिया तो भैंस हाथी का। भैंसे हैं, हाथी, चिड़िया घर चला रही है वो, तबेला खोलना उन्हें। बेटे माइनक्राफ्ट के जमीन जानवर यहाँ काउंट नहीं होते। बार बार स्पैम किया जा रहा है, मेरे पापा से शादी करेंगी, तुमको शर्म लिहाज है कि नहीं? ये उसके पापा ने खुद लिखा है। यहाँ पर मिस्टर मिस्ट्री बोल रहे हैं कि मैम अगर आप टाइटैनिक वाली शिप में होते ना, तो वो शिप कभी भी डूबती नहीं, क्योंकि मैम वो जो आइसबर्ग था वो तो आपको देखते ही पिघल जाता। ऐसा हर आशिक डायलॉग के पीछे कोई ऐसा लिखने वाला बिट्टू है। अभी शिजुका को भी दीदी बुलाने की उम्र में इन्हें मैम पटानी है। काश ये लाइन मैंने कही होती, आज मैं और मैम कैंडल लाइट डिनर कर रहे होते। हाँ, दिन में जिसमें कैंटीन का वेज पफ और फ्रूटी ही पिला पाते हैं, और सनसेट होती है आपको घर लेने मम्मा आ जाती। सो रोमांटिक, ऐसी स्माइल पे टीचर कैसे फिदा ना हो। ओहो कातिलाना, इज्जत करना सीख जाओ, वरना असली दुनिया में आप पॉटहोल हो जाएंगे चांटे खा खा के। और हमारी भी थोड़ी इज्जत कर लो भाई, देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। अब व्हाट्सएप पे मेरा है नहीं इन मुरमुरों को, तो क्लासमेट्स के साथ बंदीबाजी भी लाइव चैट पे करनी है। आयुष बाय चेतना, गुड नाइट डियर। सबके सामने अखबार में ही छपवा देता गुड नाइट चेतना। दिमाग है ही नहीं पढ़ाई में, दिमाग तो चेतना को सुलाने में है। आधा क्लास तो यही सब झेलने में निकल जाता है बेचारे टीचर्स। ऐसे कांड करके बच्चे बच नहीं पाते थे कोविड से पहले, और अभी इन्हें डांट पड़े भी तो। असली टाइम पास तो तेरे माँ बाप ने किया था तेरे को पैदा करके। मुझे डांट रहे दुनिया को कुछ। स्कूल में मेरा क्लासमेट ऐसे ही सो गया था कोमा में, जब टीचर ने उस पर डस्टर मारा था लकड़े का। किस्मत वालों, आज सच में तुम्हारा मतलब शकल खराब कर देता मैं। और कितना खराब? हलाई तो शकल बैगन जैसा है, हलाई तो शकल बैगन जैसा है। लग रहा है क्या सेम? मार के थप्पड़ गाल फुला दूंगा अभी। मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, फिर भी हाथ उठ रहे थोबड़ा बचाने के लिए। ऑफलाइन में तू मेरे सामने होता तो टांग वांग तोड़ दिया होता एक दिन। ये आई और जे और के फालतू में लिखा है, फालतू में लिखा है ये। ऐसे डांट को म्यूट करोगे तो भी आवाज आएगी।
ये ऑफलाइन पढ़ा है तो उसे क्लास नहीं, रोडीज का ऑडिशन बोलेंगे। थैंक गॉड मैं स्कूल में नहीं हूँ अभी। शर्म आता है, शर्म नाम की कोई चीज है कि बेच खाए हो बे? कहाँ से पढ़ के आए हो? दसवीं पास तुमने कैसे कर लिया? दसवीं तो छोड़, तुमने सिक्स क्लास कैसे पास कर लिया? लानत है मेरे जिंदगी पे, तुम कितने घटिया और गंवार हो। मैं देखना चाहता था कि तुम कितने गंवार हो। मैंने जितना सोचा था ना उससे भी गंवार हो। जी तो वीडियो हमने देखा और जहाँ एक तरफ कोविड में स्टूडेंट्स ने टीचर्स को बड़ा तंग किया तरह तरह के, मतलब बड़े तरीके से यार, मतलब कोई रोल नंबर की जगह नेम की जगह कुछ लिख रहे, कोई जो है वो टीचर्स को डिस्टर्ब कर रहे बार बार, कोई कुछ कर रहे, कोई कुछ, मतलब इतना कुछ स्टूडेंट्स ने किया कि अब टीचर्स जो है ना वो भी, वो कहते हैं ना, ज़माने के साथ बढ़ गए हैं आगे। और उसका रिज़ल्ट ही है जो हमने इस वीडियो में देखा है कि मतलब क्लास में मुजरे चलाए जा रहे हैं, डांस दिखाए जा रहे हैं, मीम्स चलाए जा रहे हैं। चलो क्लास की हद तक ठीक है, लेकिन जो ऑनलाइन सेशंस में जो कुछ अब कर रहे हैं तो ये तो भाई ये हर टेक्नोलॉजी के साथ ही कोई ना कोई इफ़ेक्ट होता है और वो हमने देख लिया। तो मैं क्या बोलूँ यार, मतलब अगर मैं थोड़ा इसको कहूँ ना कि जिस तरह स्टूडेंट हरामी थे ना, हरामी टाइप के, अब टीचर्स भी वैसे होते जा रहे हैं। और ड्यूरिंग क्लासरूम भी देखें, बहुत सारे जो मतलब जो सिर्फ बॉयज़ ओनली क्लास होती हैं उसमें टीचर्स मेल टीचर्स हो जाते हैं शुरू और बहुत कुछ बोल देते हैं और बड़ा फ़न भी हो जाता है। लेकिन जब को एजुकेशन हो ना थोड़ा सा ख्याल रखते हैं कि नहीं यार दूसरा जेंडर भी यहाँ मौजूद है। लेकिन ऑनलाइन में तो पूरा सब है ना, कुछ यूट्यूब पे चैनल्स चल रहे हैं, स्ट्रीमिंग हो रही है, तो हर कोई आता है, बोलता है, निकल जाता है। तो बड़ा एजुकेशनल सिस्टम वाकई है हर्ट हुआ है। और मैं समझ रहा था सिर्फ हमारे यहाँ पाकिस्तानी कौम ऐसी है, ये तो ऑल अराउंड द वर्ल्ड ये चीज़ चल रही है। तो ठीक है, बस हर किसी को कंट्रोल रखना चाहिए यार, सीखने वीखने आए हैं सीखना चाहिए, सिखाने वाले को सिखाना चाहिए, बस इससे ज़्यादा और हल्का फुल्का लाइट टच तो ठीक है, बहुत ज़्यादा हो जाता है इस तरह की हमने चीज़ें देखी। तो कैसा लगा जी आपको? उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो जनाब सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें ताकि हमारी रीच ज़्यादा से ज़्यादा हो। और अगर आपको कोई रिक्वेस्टेड वीडियो है आपकी तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वहाँ पे शेयर कर दें। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम टाइमली जो है ना उनको कवर करें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।